गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। और अभी हम दोनों माँ बेटी उठे हुए हैं, सुबह हो गई है और कुकू जस्ट मेरे साथ उठता है। कुकू फ्रेंड्स को हेलो बोलो। हेलो जी, बहुत पाला पाला चुप बेबी है, इसके साथ गुड मॉर्निंग मेरी बहुत अच्छी होती है। और ये इस टाइम देखता है, देखिए माशा एंड द बियर को आजकल जाने कितना शौक चढ़ा हुआ है माशा एंड द बियर का। देखो कितने ध्यान से देखता है मेरा बेबी। मेरा बच्चा है, पालू पालू सा मेरा बच्चा है, पालू पालू सा मेरा गुगू है, पालू पालू सा। किसी कर दो, लाओ हाथा पे इसको किसी करवाना। मेरी क्वीन है ये, क्वीन मेरे दिल की रानी, मेरी बाबू। एक पुच्ची तो कर लेना, एक पुच्ची कर लेना। नहीं करने देगा, एक एक बस। कुकू देखिए फ्रेंड्स, कुकू मुझे पुच्ची नहीं करने दे रहा है, एक पाली पाली सी पुच्ची भी नहीं दे रहा है जे। एक पाली पाली सी पुच्ची भी नहीं दे रहा जे। से आती है मेरे जीवन में खुशियाँ। कुकुरू तो सुबह सुबह हम पॉजिटिव बातें करेंगे। अब बब्बू आ रही होगी, चाय बनाएगी और फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी और हॉस्पिटल चली जाऊंगी। अभी सो के उठी, थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, मन नहीं लगता कभी कभी। मतलब ज़िंदगी की जो जंग होती है ना, उसमें हम लड़ते रहते थकते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं। कुछ ऐसा आलम होता है ज़िंदगी जब टिपिकल बन जाती है तो। ऐसा नहीं है, मुझे भी दुख दर्द होता है, मुझे भी अपने मम्मी पापा की याद आती है, लेकिन उनकी याद करने से पहले ही मैं किसी और की भी माँ हूँ, मुझे उसके लिए भी सोचना पड़ता है। आज घर की याद आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है मुझे। मैं घर पे इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि पेशेंट होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, इनको छोड़ के जा नहीं सकती। लेकिन कई दिनों से सोच रही हूँ कि मम्मी के पास 2-3 दिन के लिए मैं चली जाऊं, क्योंकि जब पता है मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरी मम्मी मेरी तेल मालिश करती है सिर में खूब तेज़ है ना, और मुझे जो भी खाना होता है मेरे पापा है ना गरम गरम मूंगफली सिकवा के लाते हैं, और मेरा भाई मुझे घुमाने ले जाता है। हाँ चिल्ली चाहिए तो वहीं रखी है ना, 2 बॉक्स है ना वो। नहीं, अरे मैं बता तो रही हूँ, जहाँ तू रोटी रख के बेलती है ना, उसके नीचे वाले बॉक्स को आगे की तरफ खोल, चिल्ली भर रही है उसमें। तो सबको अपने घर की याद आती है ना, माँ बाप बहुत बड़ा पत्थर रख के सीने पे तब भेजते हैं। और सास ससुर को क्या है यार, सास को भी कभी माँ बनना चाहिए, अपनी बहू को अपने सीने से लगाना चाहिए, है ना। मतलब आपको भगवान ने ज़िंदगी दी है तो कम से कम इतने अच्छे काम तो करके जाओ यार, मतलब किसी को आपकी वजह से दुख ना हो। सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन यार जो अपने हैं उन्हें तो दुख ना हो, बस यही कहती हूँ। टूटे हुए मन से बना रही हूँ वीडियो। हाँ आलू वगैरह चाहिए तो ले जा, आलू वगैरह क्यों अकेली बनाएगी, मटर बता। अच्छा फूल गोभी के साथ बनाएगी, कि कोई कमी कुछ चाहिए हो करे, पैसे वैसे चाहिए है,
नहीं हुआ करे तो 15 दिन पूरे होने पे आधे पैसे उठा लिए हो तू यहाँ से, अगर चाहिए तो भाड़े के लिए दे देते, भाड़े के लिए दे दूंगी, है ना। नहीं ये 200-300 मेरा हाथ में रखा था ना, ठीक वही तो लेके आता हूँ, लेके जाता हूँ। ठीक है चल, ध्यान से जाना है ना, और ऊपर है ना टोपा ओढ़ के आया कर, नहीं तो ठंड पड़ रही है बहुत। तो हर कोई थोड़ा दिल रखना चाहिए, थोड़ा खुशी रखनी चाहिए, और ज़िंदगी ऐसी जियो ना कि जिसे सिर उठा के जी सके, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। और भूल चूक से अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया है या मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, उन लोगों से कहूँगी, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे कई लोगों के दिल दुख जाते हैं, तो उनके लिए हमें हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और हमेशा खुश रहना चाहिए, दूसरों को खुश रखना चाहिए, अपने आसपास में पॉजिटिव वातावरण बना के रखना चाहिए। और मम्मी मेरी हर वीडियो देखती है, मेरी मम्मी जिन्होंने मुझे पैदा किया है, मैं अपनी मम्मी के लिए कहना चाहूँगी, मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे अच्छी लेडी है जो छुप छुप के रोती हैं मेरे लिए, दुआ करती हैं, इतनी सारी पाठ पूजा करती हैं मम्मी मेरे लिए। मम्मी घबराना नहीं, मैं सही हूँ और मैं कुकू को बहुत अच्छी तरह से रख रही हूँ, और जैसे आप हमारे लिए काम करती थी, मेहनत करती थी, इतनी दूर दूर से दूध लेके आती थी, जहाँ पे भी पापा की पोस्टिंग आती थी सबसे पहले मेरी मम्मी पता है दूध वाले का पता लगाती थी कि दूध कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि मुझे दूध पीना बहुत अच्छा लगता है, वो स्कूल देखती थी अच्छे अच्छे। तो मेरा भी यही काम है कि मेरी बेटी की हर नीड्स कंप्लीट करूँ मैं, उसे खुश रखूँ और उसे एक बहुत अच्छा इंसान बनाऊँ इस दुनिया में। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही तो थोड़े बोरिंग से व्लॉग जा रहे हैं। मैं और कुकू बहुत जल्द उसकी नानी के साथ कहीं घूमने जाएंगे, हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी की भी बेचारी की ज़िंदगी बहुत सिंपल तरीके से गुजरी है, हमें पालने में, बड़ा करने में, हमारी शादी में। गले की दवाई दे दे। हाँ गले के दर्द की दवाई ये खोल। ये नहीं है देख, वो सामने रखी है ना, ये तो आज मेरी दवाइयाँ लेके आई हूँ। एक अभी खा लेना, एक सुबह आते टाइम खा लेना, सही हो जाएगी। किचन में लड्डू रखा था ले जाओ। हाँ वो पता है ना कहाँ रखे लड्डू, अपने कहाँ रखा था कल वहाँ पे दिस्ता। अरे मेरी अय्या मम्मी ये रहा। अच्छा तू इसको देखती है क्या, तुझे अच्छी लगती है ये? देखो ये किसको, क्या नाम है इसका, शिवानी को हमारी के ब्लॉग्स देखती है। ए हमारे भी ब्लॉग देख लिया कर तो कभी, वो कर दिया था तेरा सब्सक्राइबर करें, चलो आज एक और सब्सक्राइबर बढ़ाते। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा, मुझे पता है बहुत हिम्मत मिलती है आप लोगों के साथ बातों को शेयर करके, और जैसे जैसे मेरे स्क्रीन पे संख्या बढ़ती जा रही है लोगों की, मेरे में एक नई जान और एक नई हिम्मत आ रही है कि मेरे साथ भी इतने सारे लोग जुड़ सकते हैं, और मैं भी अपना दुख प्यार सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। थैंक यू माय वाईटी फैमिली, थैंक यू सो मच एवरीवन, मैं आपके बहुत तरह दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लाइक समझा।